आज मैं बात करूंगी वायरस के हवाले से। वो वायरस क्या है? वो वायरस है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की असल हकीकत है क्या? आज मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस जो है वो 400 से लेके 500 माइक्रो कतर उसका जो साइज है, आपको बताऊं कि वो मास्क पहनने से यूं आपके सांस में नहीं जाता, क्योंकि उसका साइज जो है वो 400-500 है। और वो जो मास्क हम पहनते हैं उससे हमारे सांस में दाखिल नहीं होता और मास्क के जरिए इसका बचाव मुमकिन है। आगे बात करें अगर हम कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है और ये कितनी देर तक हमारे जिस्म में असरअंदाज हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि ये हवा में नहीं फैलता, ये साबुन से साफ हो जाता है, ये आपके कपड़े में 9 घंटे तक रहता है। अगर आपने कपड़े धो लिए तो सिर्फ 2 घंटे में वो कपड़े सूखने तक आपके कपड़ों से उतर जाता है। अगर आपके हाथों की बात कर ली जाए तो आपके हाथों में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक रह सकता है, जो कि वॉश करने के बाद आपके हाथों से साफ हो जाता है। अगर दर्जा हरारत की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि दर्जा हरारत में 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो है ये खत्म हो जाता है, क्योंकि ये गर्मी में नहीं रह सकता। अगर इसके बचाव के हवाले से बात कर ली जाए तो मैं आपको बताऊं कि ये दर्जा हरारत में नहीं रह सकता, 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि ये गर्मी में नहीं रह सकता और ये 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड में मर जाता है। अगर इसकी एहतियाती तदबीर के हवाले से बात करूं तो आपको बताऊं कि ये गर्म जो है इस पानी इस्तेमाल करें इसके लिए। अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे बचाव मुमकिन है। इसके अलावा आप सूरज में धूप में ज़्यादा देर तक बैठें, इसके अलावा आप ठंडा पानी ना पिएं, आइसक्रीम ना खाएं, और इन चीज़ों का ख्याल रखें कि अपने बच्चों को जो है जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है उससे दूर रखें, और जरासीम का खास ख्याल रखें, हाथ धोने का खास ख्याल रखें, आप सैनिटाइजर यूज़ करें, इस तरह से ये बचाव मुमकिन है। आप अगर चाहते हैं कि आप इस कोरोना वायरस से बच सकें तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर अगर आप अमल करते हैं तो मेरा ख्याल है आप जरासीम से बआसानी बढ़ सकते हैं और कोरोना वायरस आपको परेशान नहीं करेगा, आप पे असरअंदाज नहीं होगा, आपके बच्चों पे असरअंदाज नहीं होगा और आपकी फैमिली पर भी असरअंदाज नहीं होगा। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें और जो एहतियाती तदाबीर बताए जा रहे हैं उस पर अमल करें ताकि कोरोना वायरस आपसे दूर रहे। इसी के साथ मुझे यानी सदफ शम्स को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।